नीचे से तो साइड ऑन है और ऊपर से सेमी साइड ऑन था, तो ये टेढ़े होने की वजह से पेन आती है। अपर शोल्डर है इसके, ये देखें ये सेमी साइड ऑन की तरफ जा रहे हैं, इसको भी इसने ये करना है, ये वेरी गुड, ठीक है मूव करो, अभी बेहतर था, ये मूव हुआ है, दोनों मूव कर लिए, आओ एक्शन देखते हैं कि कौन सा है। साइड डाउन है और ऊपर से ये फ्रंट डाउन है, इसके लिए ड्रिल है। अब ये देखो आप नीचे से साइड डाउन हो, ये पाव आपका पड़ता है ये, ठीक है, ऊपर से आप या यहाँ पे रख रहे हो इसको, इसको बिल्कुल इधर से देखना है यहाँ से, ये फिर आपका एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पेन नहीं आएगी, पावर भी आएगी, थोड़ा सा यहाँ से आओ, ये फिनिश इधर ही करना है, फिनिश एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपने इस एरिए से ये यू बनाना है, यहाँ से देखना है आपने ये ठीक है, चलो आओ, अभी भी सेंटर में आ गया, साइड डाउन हो गया है, सेमी साइड डाउन हो गया है, हमने साइड डाउन करना है इसको, अब हम इसको खड़े होकर ड्रिल करते हैं, आओ इधर, अब थोड़ा करीब आ जाओ, इधर आ जाओ, ये देखो बॉलिंग, यस बॉल वाला हाथ ऊपर लेके आओ, नॉन बॉलिंग आप, ये इसको थोड़ा सा इधर रखो ये, और ये यहाँ से देखना आपने, अभी आप यहाँ पे ले आए हो, इसको और बेहतर करो, इससे क्या होगा पेस भी अच्छी होगी और बैग भी मजबूत रहेगी, पेन नहीं होगी, क्योंकि कुछ अर्से के बाद पेन शुरू हो सकती है, कभी हुई है पेन, और तो इस वजह से हो रही है आपको, क्योंकि एक्शन है आपका मिक्स एक्शन में हमेशा पेन होती है, लेकिन ये देखिए ना पाँव थोड़ा सा उधर करो, ये थोड़ा सा और, ये पाँव इस तरह आता है आपका, तो अपर बॉडी भी आपकी ये आनी है, इसको इधर रखना है, ये अब करो बॉल, ये बिल्कुल सही, ले आओ, अब इसके लिए सिंपल ड्रिल ले, पहले इसका एक्शन ठीक हो जाए, उसके बाद जो है ना इसकी पेस पे काम करेंगे, एज भी थोड़ी अभी 14 साल, तो इसके लिए सिंपल ये ड्रिल है, इधर आओ मेरे सामने आओ, अभी आपने बॉल नहीं करना, सिर्फ एक्शन करते जाना है, 3-4 दफ़ा बॉल करना है, करें ज़रा एक्शन पूरा, ठीक है, लेग उठाओ, अब बॉल करो, बॉल करना नहीं है ये, अब आगे फिर करते जाओ, 6-7 बॉल करो, ये ड्रिल है इसकी, ये कंटिन्यू जो है ना शीशे के सामने करता रहे, लेटर फ्रैक्शन भी बहुत ही माइनर सी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही, दोबारा आओ, अब आप सिर्फ 3-4 स्टेप से इसी तरह एक्शन करके बॉल करना है, फिर आपने बताना है कि आपका जोर लगा है कि नहीं लगा, बॉल में पेस आई है या नहीं आई, शाबाश, हाँ जी आपको फील हुआ है कि थोड़ा सा पेस इसमें बेहतर आई है कि नहीं, जोर पूरा लगेगा, क्योंकि बॉडी जब आपकी स्ट्रेट होगी ना टूवर्ड लैंडिंग लेग, तो आपका पेस उसी तरह अच्छा है, आपकी बॉडी, हाँ जी पेन सिर्फ इस वजह से हो रही थी आपको कि आपका जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये देखिए ना ये डायरेक्शन दे रहा है इस साइड को, ये पाँव जो आपका ये पाँव दिखा रहे हैं, दिखाएँ जरा ये साइड ऑन है इसका एक्शन, तो ये ऊपर से नीचे से तो साइड ऑन है और ऊपर से सेमी साइड ऑन था, तो ये टेढ़े होने की वजह से पेन आती है, जब ये एक्शन ऐसे हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना पेन खत्म हो, बस सिंपल, और दूसरा ये जैसे ये फ्रंट लेग नीचे लगेगी बैक लेग उठानी है, बैक लेग फौर उठा लेनी है, ये ठीक हो गया, ये ड्रिल करो दोबारा खड़े हो गए उसी तरह जिस तरह 2-3 बॉल किए हैं, ये ड्रिल आपने 1 वीक करनी है, 100-200 बॉल डेली करना है खड़े होके, बॉल आज से चाहे ना छोड़ो, हाँ ठीक है, आओ दोबारा खड़े हो दोबारा, अब इसमें एक छोटा सा और एरर जो मैंने फील किया, आप खड़े हो एक्शन बनाओ ज़रा, अब ये जो अपर शोल्डर है इसके
ये देखें, ये सेमी साइड ऑन की तरफ जा रहे हैं, इसको भी इसने ये करना है, ये शोल्डर जो है साइड ऑन का टूवर्ड्स बैट्समैन होना चाहिए। ओके चले, ये इस तरह ड्रिल करनी है, करो जरा दोबारा। ये जी, ये जो छोटा सा एरर था, अब ये जैसे जैसे ग्रो करेगा इसकी पेस भी रहेगी और पेन भी नहीं आएगी इसको, ये कंफर्टेबल होगा और पेस अच्छी बढ़ती जाएगी। ओके थैंक यू।